नमस्कार दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं वाल्मीकि आश्रम और अभी भारत की बॉर्डर को पार करके नेपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं नदी, इसी नदी को पार करना है। उस पार नेपाल है और इस पार इंडिया है। अभी पानी कम है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है इस नदी में पानी बढ़ जाता है। उस समय इस नदी को पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सामने नेपाल दिख रहा है, ये है वाल्मीकि आश्रम में जाने का रास्ता। हम नेपाल में हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूर्णतः नेचुरल सराउंडिंग में इस तरह की यात्राएं काफ़ी आनंददायक होती हैं। थोड़ी सी ऊंचाई है और उसके बाद ये रहा मंदिर का परिसर। और इस परिसर में सामने सीता जी का मंदिर है, ठीक उसके बगल में वह स्थान है जहाँ सीता माँ पाताल के अंदर प्रवेश कर गई थी। यह पूरा क्षेत्र नेपाल के अंदर है। स्कूली बच्चे यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, आप बच्चों को देख सकते हैं। मंदिर के अंदर फोटो खींचना अलाउड नहीं है, इसलिए मंदिर की तस्वीर बाहर से ली गई है। ये बच्चे आराम करते हुए, काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ का लग रहा है और वातावरण भी काफ़ी शांत है। ये वाल्मीकि जी जहाँ पर यज्ञ करते थे, ये वो जगह है। यहाँ पे आके छप्पन निकाल के बोर्ड लगा डाला, यहाँ के मट्टी कौन सी काम लगा ला। लौह कुश का जन्म यहीं पर हुआ था, वह जगह आज भी यहाँ है। ये एक मान्यता है, लोग यहाँ पर पत्थरों को सजाते हैं। उस समय की शिलाएं हैं, प्राचीन शिलाएं। ये एक कुआं है, अमृत कुआं इसका नाम है। और ये वो खंभा है जिसमें लौह कुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़कर बांध दिया था। ये योग परिसर है। ये पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं और ये वो जगह है जहाँ पर वाल्मीकि जी ने लौह कुश को शिक्षा दी थी। क्या लिख रहे हो? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आई तब और यहाँ देख रही ऐसे घूम रहा हूँ, है ऐसे घूम रहा हूँ। नाम देखने अन्य एक मर्डर ले जाने हमारे के काम लग सा छोरी हो, छोरा हो, नाती हो, पढ़ने गए रह सा एक मर्डर लो बाबूलाई हमरा हमरा लफू जो था ज्ञानी हो, बुद्धिजीवी हो, बने ऐसे मर्डर ऐसे टिकन लाई दिने एटा पाँच मिनट टिकटी पे रखने वाला लाने। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ।